मीरा रोड के 7-11 क्लब में रखा गया था अग्रवाल व महेश्वरी समाज का स्नेह सम्मेलन। आज 7 जुलाई रविवार को अग्रवाल व महेश्वरी समाज का स्नेह सम्मेलन मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आयोजित किया था। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर के कई प्रतिष्ठित समाज के बड़े लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस सम्मेलन के संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता सहित महेश्वरी समाज व अग्रवाल समाज के लोगों से बातचीत की। आइए जानते उन्होंने क्या कहा। नहीं, कुछ नहीं, एक स्नेह मिलन था अग्रवाल और महेश्वरी समाज के जो अग्रणी हैं उनके साथ, एक संवाद था आने वाले समय के लिए। तो एक हमारी पारिवारिक सभी लोग हैं, ये सब जो है व्यक्तिगत या उपस्थित है, ये सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है और मैंने इनके साथ एक छोटा सा संवाद कार्यक्रम किया और गेट टुगेदर किया, इसीलिए आज यहाँ पे उपस्थित थे। सर, चुनाव करीब है इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या? नहीं नहीं, चुनाव तो अपनी जगह है, उसके लिए तो कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन जो आज की बैठक थी वो वोटर या मतदार करके नहीं बुलाया गया। मैंने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य और हमारी ताकत है, उनसे कुछ संवाद करना था, बातचीत करनी थी, मेल मिलाप करना था, इसलिए आज की बैठक थी। तो मैंने यही तो कहा आपको, ये परिवार का है, प्यारे इनसे पारिवारिक संबंध है सबके साथ, ये सब प्यार के लिए उपस्थित थे। धन्यवाद। मेरा नाम नटवर डागा है। आज यहाँ पर मेहता जी द्वारा माहेश्वरी समाज एवं अग्रवाल समाज के लोगों को बुलाया गया था और उन्होंने अपने भविष्य की भूमिका हमारे समक्ष रखी थी। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये जो लोग हैं जिनके साथ हम जुड़े हैं उनको सिर्फ चुनाव के समय याद आती है, ये हमारे साथ में हर समय रहते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं ये तन अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमारा सहयोग करते हैं। देखिए, जो समाज की ताकत है अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, उस समाज की ताकत को नेताओं ने समझी नहीं है और इसका कारण ये है कि हम लोग खुद जागरूक नहीं है। आज मेहता जी को एहसास हुआ है, यहाँ के राजनीतिक लोगों को एहसास हुआ है कि अग्रवाल समाज या महेश्वरी समाज या राजस्थानी समाज एक अपने आप में बोली शक्ति है और उसका उदाहरण इस सभागृह में दिखा है। हम मांगने वालों में नहीं है, अग्रवाल समाज या महेश्वरी समाज देने वालों में है, हमको चाहिए नहीं है, हमको हमारा स्वाभिमान चाहिए। और आज जो इतने इकट्ठे हुए खाली हमारे समाज के स्वाभिमान के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो समाज के लोग हैं उनको सम्मान चाहिए, ये राजनीतिक ताकत आज देख लिया है, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली भाईंदर।